आज मैं आपको साबूदाना की खीर बनाने वाली हूँ, जो काफी टेस्टी होने वाला है। वही जो है ये खीर जो है शुगर फ्री होने वाला है। इसमें मैं जो ये डायबिटीज पेशेंट है वो खा सकते हैं। इसमें मैंने शुगर का इस्तेमाल नहीं किया है। मैंने साबूदाना लिया है जो मीडियम साइज का है, आप छोटे वाले भी ले सकते हैं और इससे बड़े भी आते हैं। इधर दूध मैंने उबाल लिया है और उसे साबूदाना को मैं ढोल धो के जो है इसे डाल दूंगी उबलते दूध में। और जो है इसको जो है छोड़ना नहीं है, इसको आप जो है चलाते रहिए, क्योंकि चलाने से जो है इस जो है इसका तल जो है चिपकेगा नहीं। वही इसमें पानी का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जो है डायबिटीज पेशेंट का है एक, और पानी देने से इसका जो टेस्ट जो है भी वो बिगड़ जाता है। इसलिए आप इसे अच्छे से चलाते रहें, मीडियम आँच में चलाएं फिर लो में, और इसको जो है अच्छे से आप पकाएं, क्योंकि कच्चा रहने पे ये दांतों में चिपकने लगता है। याद रहे, जब भी आप डायबिटीज वाली यानी कि शुगर फ्री वाली जो है बनाएंगे, उसमें आप जरा से पानी ना प्रयोग कर देखिए। चलाते चलाते जो है इसका कलर जो है ये एकदम पीला हो चुका है। आप आधा केजी दूध में एक मतलब 50 ग्राम साबूदाना की यूज करें तो देखिएगा बहुत ही अच्छा लगता है। और इसमें पानी बिल्कुल भी यूज ना करें, बिना पानी के ही ये बहुत अच्छा बनता है। उसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा उभर के आता है। लोग कहते हैं कि साबूदाना खीर बिना चीनी के अच्छी नहीं लगती है, तो ऐसा नहीं है। आप जो अगर पानी न प्रयोग करते हैं दूध में, तो बिल्कुल ही बहुत अच्छी लगती है, एकदम तो बहुत टेस्ट अच्छा। इलायची आप कूट के इसमें अच्छा से डाल दे। सच में इस तरह बनाइएगा कि सभी के सभी लोग जो है उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतना टेस्टी खीर खा।